अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज के दिन सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, क्योंकि पाकिस्तान में तो शायद कल ईद है और हमारे यहाँ जो है ना आज ईद थी, सब लोग ईद पड़ के आ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। हम ईद पढ़ के आ चुके हैं सब लोग और जो है इस वक्त नाश्ता किया है, नाश्ते के बाद चाय बन रही है। ये अस्सलाम वालेकुम कहिए हमारे सर, सारे अहले इस्लाम पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान अहले इस्लाम पूरी दुनिया सारे ने मेरी तरफ की दुआ। खैर हुआ, खैर हुआ। और बाकी दोस्त इस वक्त खीर खा चुके हैं और चाय बन रही है, चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद जो है हमने जिस आदमी को बुलाया हुआ है कुर्बानी करने के लिए वो आ जाएगा और फिर उसके बाद कुर्बानी होगी। मिर्ज़ा साहब, मिर्ज़ा साहब जो है इस वक्त चाय बना रहे हैं। हाँ जी, तो इस वक्त हम आ गए हैं जहाँ पे हमारा दुम्बा है, बंदा आ गया उसको ज़बह करने के लिए, तो अभी इसका टाइम हुआ जाता है। अली साहब पहले आ चुके हैं, मिर्ज़ा साहब भी आ चुके हैं और ये जगह बना रहे हैं। ये है हमारा दुम्बा। अल्लाह पाक जो है वो सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए और हमारी कुर्बानी भी कबूल फरमाए। ज़ुबैर साहब के नाम की कुर्बानी। माशाल्लाह माशाल्लाह। साहब पहुंच चुके हैं जी कुर्बानी के गोश्त के लिए। ये हमारे बड़े मेहमान हैं, खसूसी शुएब साहब हैं जी, जनरल मैनेजर करछी किताब टेक्सटाइल मिल। इनकी कितने हजरात मैंगो भी आए हुए हैं। ओ मैंगो कि नहीं, आम कि नहीं, आम जख्म हो गया। मैं तो थोड़ा लगनी सी बड़ी कोई नहीं।
कोच बड़ा सोना जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी मैं ना नौजवान को मतलब फुल और वाली खुशी था नहीं जब उसको बांध के रखा हो हिला नहीं बड़े पर सुकून रहा सही जरा नहीं देख ले कहाँ बैठे अपन कोक साडा लग गया छुरी भी खाई वायरल माई सही रही ना कड़ा तू अग वेख निकलती पी और इस वक्त जो है आखिरकार हमारे जो ईद का खाना है वो आखिरी मराहल में है। आप देख सकते हैं ये सालन बन रहा है, ये बन चुका है और हमारे जो है किसी दोस्त ने जो आए हैं पाकिस्तान से इनको भी काटेंगे खाने के साथ खाएंगे। और इसके अलावा ये रोटी तैयार हो चुकी है और ये हमारे दोस्त जैद साहब, सर शुएब साहब और राणा साहब यहाँ पे इंशाल्लाह भी हम खाना सर्व करेंगे जो कि ईद का खाना बहुत सारी मेहनत के बाद है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद जो भी फाइनल अपने आखिरी मराहल में पहुंच चुका है और वो तैयार हो चुका है। अभी हम इस खाने को एंजॉय करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। तरीन सामेन और जितने भी व्यूअर्स देखने वाले हैं इस वक्त जो है खाना टेबल पे लग चुका है और माशाल्लाह बहुत सारे लोगों की मेहनत शामिल है इसमें। पूरी की पूरी टीम जो आपको वीडियो में नज़र आ रही है इन सब की ये खाना बनाने में जो है ना मेहनत शामिल है। ख़ास तौर पे जो है ना जो आप देख रहे हैं हमेशा जो काम करने वाले लोग होते हैं वो जो है ना बैकग्राउंड में होते हैं उनको याद कोई रहता लेकिन मैं बार बार अपने वीडियो में जो है ना ये जाहिर करता हूँ कि जो है ना ये बंदा खुद भूखा रह के इसके पेट से देख लो लेकिन खुद भूखा रह जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसको देख के खुद तो भूखा रह जाता है लेकिन जो है ना बाकियों के लिए बड़ा मज़ेदार खाना बनाता है। और एक बंदा जो है लावा साहब अभी तक वो बाहर गए हुए दुकान पर अभी तक पहुँचे नहीं हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त चलो बैठ